व्यक्ति अब आप बैठिए। मैंने आपको कहा था बीच में टोका टोकी नहीं, अब कोई भी सदस्य खड़ा होगा तो ठीक नहीं रहेगा। बोलिए नेता सदन है। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं माननीय राज्यपाल महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने अभिभाषण में के माध्यम से सदन के समक्ष हमारी सरकार का रोड मैप रखा है। इसके बाद मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया है और लोकतंत्र के इस मंदिर को सार गर्वित किया है। मैं राजस्थान की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी सरकार को बहुमत देकर हमें सेवा का अवसर दिया है। मैं मेरी सांगानेर की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे 58.44% वोट दे करके इस सदन में एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे भेजा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जो सदन को का संचालन प्रभावी रूप से आप कर रहे हैं। माननीय, मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज उनकी पुण्यतिथि है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राम बापू के पूज्य थे, उनकी सभाओं में राम जी का भजन, रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, उसके अलावा उनका और एक प्रिय, मैंने तो पाया राम रतन धन पाया, ये भी उनको बहुत पसंद था। राम राज्य तो गांधी जी का सपना था, राम राज्य की अवधारणा जहां हमारी आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र था, वहीं यही रामराज राष्ट्र निर्माण के मिशन का मूल आधार भी था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं क्योंकि कई माननीय सदस्यों का मैंने सुना है और उन्होंने जिस तरह से बात रखी है निश्चित रूप से उनका अधिकार है, लेकिन बात रखने से पहले थोड़ा सा हमें विचार भी करना चाहिए और विचार इसलिए करना चाहिए कि राजस्थान की जनता ने हम सभी को इस पवित्र मंदिर में भेजा है। इसका एक एक मिनट का समय बहुत कीमती है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि विकसित भारत की संकल्पना देव से देश तथा राम से राष्ट्र के चिंतन का विस्तार है। यही नहीं, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी संविधान की मूल प्रति के भाग 3 में अगर आप देखोगे तो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का भी उसमें सेक्टर 3 में कह रहा हूं
चैप्टर 3 ही कह रहा हूं, उसमें बहुत अच्छा सुंदर चित्रण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने 500 साल की सनातन की प्रतीक्षा को पूरा किया। किसी राष्ट्र के इतिहास में कभी कभी ऐसे दुर्लभ क्षण भी आते हैं जब सदियों का इतिहास सेकंडों में सिमट जाता है। अयोध्या में 22 जनवरी को ऐसा ही क्षण आया जब 500 वर्ष का इतिहास 84 सेकंडों में सिमट करके रह गए। देश ही नहीं पूरा विश्व राम में हो गया। सदियों के संघर्ष एवं राम भक्तों के बलिदान के पश्चात यह सपना साकार हुआ है। नव्य भव्य दिव्य मंदिर में कमलासन पर विराजे श्याम सलोने रामलला के दिव्य दर्शन के जनगण धन्य हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जन जन की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भी विपक्ष के माननीय सदस्य राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि, इसे हमने देखना होगा। इनको यह पता होना चाहिए कि जिन्होंने राम और राम सेतु को काल्पनिक बताकर नकार दिया था, उनको जनता ने भी नकार दिया है। यही नहीं, और अब आने वाले समय में चुनावों में जनता इनको पूरी तरह से नकारेगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं। क्योंकि राम मंदिर केवल आस्था नहीं, अब तो देश की आध्यात्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक प्रगति का भी प्रतीक है। इस अवसर पर रामराज पर तुलसीदास जी की चौपाई का अंश साझा करना चाहता हूं। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहू व्यापा। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि राम राज में किसी को शारीरिक आध्यात्मिक भौतिक परेशानी नहीं होती थी, सभी सुखी और प्रसन्न रहते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी ने कुछ विषय महिला उत्पीड़न के बारे में कहे। माननीय अध्यक्ष जी, ये राजस्थान भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, यह मां कालीबाई की शक्ति की भूमि है, यह त्याग और बलिदान की मूर्ति पन्नाधाय की भूमि है, यह पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने सिर कटवाने वाली मां अमृता देवी की धरती है। जिस प्रदेश को महिला सम्मान की खातिर प्राण देने के लिए जाना जाता था, उस प्रदेश को महिला अपराध के चिंताजनक आंकड़ों की वजह से प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा। शर्मसार ही नहीं, आप उठा लीजिए, देश के अंदर महिला अत्याचार के नंबर पर राजस्थान पहले नंबर पर था। जहां एक ओर हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम से लोकसभा विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण, माता बहनों का मान सम्मान बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर हमारा प्रदेश महिला उत्पीड़न और अत्याचारों के शिखर को छू रहा था। यही नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार के समय
राजस्थान महिला दुष्कर्म में लगातार देश में पहले पायदान पर बना रहा। सुबह से शाम होती थी दर्जनों अबलाओं की इज्जत तार तार होती थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बार बार बात आती है अभिभाषण में, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने आप को देखिए, यह सदन बड़ा पवित्र है, यह मंदिर है, हम नहीं, इसे राजस्थान की 8 करोड़ जनता हमारा विश्वास करती है। उन 8 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम काम करते हैं राजनीति में। कई बार सच का सामना भी करना पड़ता है। जब हम राजनीति करते हैं तो आत्मविश्वास और हमको हमारे धड़े में तोलना होगा कि हमें राजनीति कैसे करनी है। राजनीति मूल्यों के आधार पर होती है। राजनीति के लिए तलवार की धार पर चलना होता है। राजनीति ऐसे नहीं होती कि मैं अगर कुछ कह दूं और उसकी पालना नहीं करूं, यह राजनीति का सबसे बड़ा दोष है। माननीय अध्यक्ष जी, दुख की बात यह है कि जब इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया तो सरकार के मुखिया ने यह कहकर हमें और सरसार किया कि महिला उत्पीड़न के ज्यादातर मामले झूठे होते हैं, इससे अपराधियों के हौसले बुलंद करने का काम किया। यही नहीं, पिछले साल चाहे जम्मा रामगढ़ की का महिला का अधिशाला सब मिलने की घटना हो या धरियाबाद में विवाहित को निर्वस्त करने का मामला हो या भीलवाड़ा के कोटरी में बच्ची से गैंगरेप के बाद भट्टी में जलाने का दिल दहलाने वाला कृत्य हो, इसी प्रकार करौली में दलित युवती के साथ गैंगरेप हो, एसिड अटैक और उसके बाद कुएं में भी डाल दिया हो, इस कानून व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तब तब महिला उत्पीड़न और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार बढ़े हैं। मैं जिक्र करना चाहता हूं वो अनुसूचित जाति की महिला भमरी देवी का, वो भी कांग्रेस के समय में एक काम हुए थे। जब भी कांग्रेस की सरकार आती है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता है। महिला दुष्कर्म में आवाज उठाने वाले अपने ही मंत्री को बर्खास्त तक कर दिया गया। अरे उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया? इस सदन में बात उठाने का कोई भी अपनी बात उठा सकता है। अरे ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि सुबह दोपहर में उसने बात उठाई और शाम को बर्खास्त कर दिया? ये कौन सा है? ये सदन की परंपरा है क्या? यही नहीं, गत कांग्रेस सरकार के मंत्री कहते थे और वो भी सीनियर मंत्री, वो भी ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री थे थोड़ा सा इतना ही कम, हम तो कहते थे कि आप और ज्यादा बन जाइए, लेकिन उनकी भाषा देखिए, ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, ये शर्म आनी चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा राजस्थान के बारे में, और मुखिया जिसने थोड़ा सा कुछ सही बात कही तो उसको हटा दिया, मुखिया को ये बातें सुनाई नहीं दी, ये शर्म की बात है। हमारी प्राथमिकता मातृशक्ति के आत्मसम्मान व सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, इस हेतु हमारी सरकार महिलाओं एवं बच्चियों को समुचित सुरक्षा प्रदान कर उनका मान सम्मान बनाए रखने का काम करेगी। इसके लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि माता बहनों के लिए राजस्थान को देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी,
अभी कह रहे थे कानून व्यवस्था, मैं कहना चाहता हूं कानून का राज कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। मैं भरतपुर में काम करता हूं, संभाग के कई विषय मेरे ध्यान में होते हैं। आज भी मुझे करौल की वो घटना याद है जब रामनवमी के जुलूस पर हमला कर दिया गया था। शासन प्रशासन ने अपराधियों के हौसले बुलंद करते हुए पीड़ितों के खिलाफ उल्टा पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। यही नहीं, उदयपुर में कन्हैया लाल का क्या हल किया, पूरी दुनिया में प्रदेश की छवि को आघात लगने का काम हुआ। जयपुर में एक युवक की हत्या के बाद जिस तरह से उसे सांप्रदायिक रंग देकर माहौल खराब करने का काम किया, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार की नीति की नीति ही दोषी है। और कितने मामले में आपको गिनाऊं, तुष्टिकरण के आधार पर अगर फैसले हों तो कानून बौना हो जाता है, हमारा संविधान बौना हो जाता है। कहने वाले कहते हैं लेकिन संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से काम भी करना होता है। मैं बताना चाहता हूं झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर, राज्य भर में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, किसी तरह का कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया, यहां तक कि जयपुर में आने के बाद उनको कोई सुनने वाला नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप करते जो नहीं करते लेकिन सुन तो लेते। किस तरह से रोड पर चीख पुकार पुकार करके वो लोग गए, कोई सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसा क्या डर है, ऐसा वोट का क्या डर है जो उनकी सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। एक तरफा चलने वाला नहीं है, प्रदेश चलेगा संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तुष्टिकरण से नहीं चलेगा। मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं इस शांत प्रिय प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने में हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान डबल इंजन की सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। हमने सत्ता में आते ही अहम निर्णय लेते हुए मिशन मोड पर कार्य हमने प्रारंभ किया है। आपको जानकारी भी होगी राजस्थान की कानून व्यवस्था का जिक्र होता है तो कानून व्यवस्था की लचर हालत और पुलिस के टूटे हुए मनोबल के कारण या गैंगस्टर पनपे, और उन्होंने व्यापारियों को धमकाकर उनसे प्रोटेक्शन मनी वसूलने का काम भी प्रारंभ कर दिया। आए दिन अखबारों में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, उन्हीं के साथ खनन माफिया भूमाफिया की हिम्मत सातवें आसमान पर पहुंच गई। इन गैंगस्टरों के हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने जेल के अंदर ही से ही अपनी सिंडिकेट का संचालन प्रारंभ कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं आए दिन दूसरे प्रदेशों से लोग आते थे, गैंगस्टर आते थे, राजस्थान के किसी भी जिले में किसी ना किसी को फायर करके चले जाते थे, किसी को मार के चले जाते थे, किसी को धमका के चले जाते थे। मैं माननीय अध्यक्ष जी, यहां की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई थी, जैसा मैंने बताया पड़ोसी राज्यों के गैंगस्टर भी यहां आने लग गए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करके आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय को पुनः स्थापित करने का काम करेगी। इस दिशा में हमने प्रदेश में संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने हेतु 16 दिसंबर को, माननीय अध्यक्ष जी 15 दिसंबर को शपथ ली थी और यह निर्णय 16 दिसंबर का है, एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठन करने का हमने काम किया और उन्होंने अपना काम भी प्रारंभ किया। अपराध शाखा राजस्थान द्वारा हार्डकोर इनामी अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और गिरफ्तारी हेतु राज्य में विशेष अभियान भी चलाया गया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता
अच्छा होता वो धन्यवाद देते। उन्होंने कहा 10,000 लोगों को पकड़ा। चलो इतना तो आपने माना, आपने कितने पकड़े ये तो बताते, ये नहीं बताया कि आपने कितने पकड़े। 10,000 लोगों को पकड़ने की बात तो कह दी, लेकिन आपके समय में आपने कितने पकड़े, कहां चले जाते थे, किस नेता से सांठगांठ होती थी, ये नहीं बताया। ये भी बताते, हमारे बहुत ही अच्छे प्रतिपक्ष के नेता हैं, भोले हैं, उनको जैसा बता दिया वैसा उन्होंने कहा। क्योंकि मुझे पता है आप भले हो, क्यों मुझे भला का बोड़ा का, पर इतना बोड़ा भी नहीं हूं। हम पकड़ते थे तो ऐसे छोड़ते नहीं था, आपने 10,000 पकड़े, 1,700 छोड़ दिए। मैं बिराजी गत कांग्रेस सरकार द्वारा खनन के क्षेत्र में खनन माफिया को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में खनन क्षेत्र से होने वाली राजस्व का हानि भी हमें हुई। खनन माफियों के हौसले भी बुलंद थे, आपने देखा होगा, आए दिन पुलिस पिटती थी, पुलिस पर हमला होता था। क्यों होता था? क्योंकि उसमें बड़े आदमी का हाथ था। हमने कहा, हमारे समय में एक केस आया, हमने तुरंत कहा अगर इसने हिम्मत से काम किया है तो इस थानेदार को इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अगर इन्हें मिलकर के इसने काम किया है तो इसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके समय में थानेदार पिटते थे, पुलिस बार बार पिट करके आती थी, पुलिस मजबूर थी, क्योंकि मां का भूमाफिया के साथ सांठगांठ थी, सांठगांठ सरकार की थी, उस सरकार के माध्यम से सांठगांठ चलती थी, इसलिए हिम्मत नहीं होती थी। उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाने का काम नहीं किया। राज्य में अवैध खनन भंडार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस, परिवहन विभाग को सम्मिलित करते हुए हमने 15 जनवरी से 31 जनवरी तक संगन अभियान चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा, क्योंकि आपके लोग हैं तो आपके पास मेरे से ज्यादा खबर होगी, मुझे पता है, मेरे पास इतनी नहीं होगी जितनी आपके पास होगी, क्योंकि सांठगांठ दोस्ती आपकी है। राज्य में संयुक्त जांच दल द्वारा 29 जनवरी तक, मैं आपको बता रहा हूं क्या किया है, प्रदेश में अवैध खनन के 490 अवैध, 1224 अवैध भंडार के, 373 इस प्रकार के कुल 2283 मामले पकड़े गए हैं। कार्रवाई के दौरान विभिन्न खनिजों की कुल 2,17,000 टन मात्रा जब्त की है। ये 15 दिन में कौन थे, आदत क्या लग रही थी, कौन सी आदत उनको लग रही थी, उनको पता था लेकिन क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था उनके बचाने वाले होंगे, लेकिन अब बचाने वाले को भी पता है। हमने कहा है पर हम करके भी दिखाएंगे। हमने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसमें उस सिफारसी को भी पूछा जाएगा जो सिफारिश करने वाला है। हम उस सिफारसी जो सिफारिश करने वाला है हम उसको भी छोड़ने वाले नहीं है। बैठिए, हाँ बीच में नहीं, माननीय सदस्य, बिल्कुल माननीय सदस्य बीच में। मुझे ये कहते हुए अफसोस है सदन की गत सरकार के कार्यकाल में सिर्फ, बैठिए माननीय सदस्य, गत सरकार के कार्यकाल में सिर्फ अपराधी नहीं पनपे बल्कि भ्रष्टाचारियों के हौसले भी बुलंद हुए। पिछली सरकार के दौरान प्रदेश में आम आदमी का कोई काम बिना सेवा, बिना पानी और बिना खर्ची होती थी, बिना खर्ची के नहीं होता था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, प्रीपेड सेवा प्रारंभ हो गई थी,
प्रीपेड सेवा, अरे मोबाइल में तो हमने देखी है लेकिन प्रीपेड सेवा भ्रष्टाचार में हो गई। इतने डला दो इतना दिन काम हो जाएगा, इतना करा दो इतने दिन काम हो जाएगा, बिना सेवा के कोई काम नहीं होता था। यह खर्ची की सरकार थी, बिना खर्चे के नहीं होता था। एक एक गांव एक एक ढाणी में आप पहुंच जाइए, एक एक आप देखिए। कई बार एसपी से बात होती थी, वो थानेदार उन्हीं के पास नहीं जाता था, थानेदार एसपी के पास नहीं जाता था, एसपी को सलूट नहीं करता था, वो जाके अपने एमएलए के पास सलूट करता था। वो कहता था मैं तो इसलिए लगवाया हूं, मैं एसपी के पास क्यों जाऊंगा। कितनी पुलिस का क्या हाल किया ये आप सभी को पता है। इस गर्मापूर्ण सदन में और इसके बाहर भी कुछ मान्य सदस्य बार बार पर्ची की सरकार का उल्लेख भी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं सरकार, मैं उनको बताना चाहता हूं यह सरकार ना पर्ची की है ना खर्ची की है, बल्कि यह सरकार धरती की है और धरती पुत्रों की है। धरती की और धरती पुत्रों की है, लेकिन एक परिवार को समर्पित कुछ माननीय सदस्यों को एक, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से मैं कहना चाहता हूं, इस देश में आजादी की लड़ाई में बहुत का योगदान रहा है, लेकिन हमेशा मैं देखता हूं आपके पास वही नाम तीन है या चार है, ऐसा क्यों? अरे इस देश की आजादी में बहुत लोगों का योगदान रहा है, बहुत लोगों का योगदान रहा है, कभी उनको भी सम्मान दे दिया करो। आप सिर्फ तीन, अरे बहुत अच्छा स्लोगन पड़ा। मैं तो कह रहा था कि वीडियो बना के आज ही तुरंत राहुल जी को भेज देना चाहिए, अच्छा लगेगा। आज ही शाम को आपको धन्यवाद देंगे, वो यात्रा कहाँ है, कौन सी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से तुरंत कहेंगे कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता जी ने बहुत अच्छा एक शेर हमारे लिए पढ़ा है। राहुल गांधी चाहिए हमें, हाँ हमें चाहिए राहुल गांधी, हमें चाहिए। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मैं तो एक गांव से आने वाला एक ऐसे परिवार का व्यक्ति हूँ, एक छोटे किसान परिवार से आता हूँ, जीवन अभावों में भी गुजरा है। मेरा मुख्यमंत्री बनना अभी तक शायद ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। बैठिए बैठिए, अरे सुनिए माननीय सदस्य, दरअसल दरअसल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य पूरा सुन, इसलिए आप मैं पर्ची पर भी आ रहा हूं, आपकी पर्ची पर भी मैं आ रहा हूं। दरअसल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के अवचेतन मन में पर्ची का डर बैठा है, आपके मन में पर्ची का बड़ा डर बैठा है, इसलिए वो बार बार पर्ची का उल्लेख करते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, थोड़ा डिटेल में तो मैं बताऊंगा, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं विपक्ष के सदस्यों को, ये पर्ची का डर कौन सी तारीख का है, आपको कौन सी तारीख का पर्ची का डर है? ये 25 सितंबर 2022 आपको ध्यान होगा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का बाद बहिष्कार के बाद से जहन में बना हुआ है, किसी शायर ने सही कहा है, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गरेवान में झांका नहीं जाता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी, हाँ बैठिए, अरे आपसे, अरे वो जगह, अरे बैठिए माननीय, जगह हुए माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि माननीय केंद्रीय प्रवक्षक आते हैं, मीटिंग बुलाते हैं,
मीटिंग कहीं दूसरे स्थान पर होती है। वो लज्जित होकर के चले जाते हैं। ये हमारी परंपरा है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, यह भारतीय जनता पार्टी है, एक भी मुख्यमंत्री बनने से पहले या मुख्यमंत्री बनने के बाद में मेरे बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक आपने किसी का एक वक्तव्य अगर सुना हो तो वो बता दें। यह होता है लोकतंत्र और इसे कहते हैं लोकतंत्र, क्योंकि हम लोकतंत्र के अंदर विश्वास करते हैं तो आंतरिक भी हम लोकतंत्र रखते हैं। बैठिए माननीय सदस्य, आपको भी जवाब दूंगा। अरे बैठिए, आपको भी जवाब दूंगा माननीय। मैंने कहा था कोई बीच में नहीं बोलेगा। गंगापुर सिटी से आने वाले सदस्य, आपको भी जवाब दूंगा। आपका मेरे पास लिख रहा है, चिंता मत करिए। आप भी तसल्ली रखिए थोड़ा, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? मैं तो पहली बार, तसल्ली करिए, आपको भी मिलेगा। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, गत सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले को संरक्षण देने के लिए हमारी केंद्रीय जांच ब्यूरो को अनुसंधान हेतु दी गई सामान्य सहमति का निर्णय वापस ले लिया था। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, क्या डर था? ऐसा क्या डर था जरा बताइए ना। और आप सही हैं तो डर किस बात का? लेकिन जो करता है उसको पता होता है, इसलिए वो डर था। मैं आपको कहना चाहता हूं यह निर्णय हमने वापस ले लिया है, यह मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। इससे कई प्रकरणों के अनुसंधान व विलंब, अपराध के साक्ष्य के नष्ट होने की आशंका बनी रहती, इसलिए आपने उसको सहमति नहीं दी। हमने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का वायदा किया है और इसे मूल मंत्र है, इसे पूरा करेंगे, इसलिए सीबीआई को फिर से हमने अनुमति दी। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान की सरकार ने प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर कलंकित करने का काम किया। हमारी जो पवित्र संस्था आरपीएससी, उसको भी दागदार कर दिया। अरे हम पढ़ते थे तो देखते थे, हमने भी एग्जाम दिए हैं, लेकिन जब हम देखते थे राजस्थान की आरपीएससी की साख पूरे देश भर में पहले नंबर थी। क्या हो गया? ऐसी मजबूरी क्या थी? सरकार चलाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन संस्थाओं के ऊपर अगर उंगली उठे तो ये प्रजातंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रदेश का युवा दुनिया भर में जाकर अपनी सफलता का परचम लहराता था, उस प्रदेश के युवा को अपने घर में ही पेपर लीक जैसे अन्याय का सामना करना पड़ा। पेपर लीक के घोटाले के मुख्य सरगना को गत सरकार ने पर्दे के सामने लाने में विफल रही। पूरे 5 साल तक प्रदेश के युवाओं को निराशा, असंतोष और आक्रोश प्राप्त हुआ। ये युवाओं के साथ धोखा कभी बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश की संवैधानिक संस्था आरपीएससी, जैसा मैंने बताया, लज्जित किया। इसके स्टैंडिंग मेंबर पेपर चोरी करते पकड़े गए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्या आपकी आत्मा में आपने देखा नहीं उन युवाओं का कुठाराघात? आपने यही नहीं किया, आपने उन पिता पुत्रों के बीच में भी द्वेष पैदा करने का काम किया। क्योंकि हम गांव से आते हैं, गांव में हमने देखा है मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हम इस सदन के पवित्र मंदिर में बैठे हैं, इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पिता से जब वो पैसे मांगता है, पिता की मजबूरी होती है, किसी साहूकार के पास जाता है,
किसी रिश्तेदार के पास जाता है, वहां से वो पैसा लेकर के आता है, कोचिंग कराता है, कमरा दिलाता है, और बेटा भी उसको विश्वास दिलाता है कि पिताजी अब की बार मेरे को पढ़ा दीजिए, मैं निश्चित रूप से मैं पेपर में पास हूं के दिखाऊंगा। बेटा इस बात को पिताजी से कहता है और पिताजी भी इस बात का विश्वास करते हैं कि बेटा ने मेरे से गुहार लगाई है, पढ़ने के लिए कहा है, मेरा फर्ज बनता है, मैं कहीं से लाऊं लेकिन इसको मुझे पढ़ाना है। वो पढ़ाने के लिए पैसे लेकर के आके देता है, कोचिंग करता है, कमरा लेता है, दिन रात मेहनत करता है, और जब पेपर लीक हो जाता है तो वो खून के आंसू रोता है और वो कहता है कि मैंने दिन रात मेहनत की, मेरी उस मेहनत का कोई परिश्रम नहीं मिला। इस तरह का काम और आत्मधा करने को आपकी सरकार ने ऐसे युवाओं को मजबूर कर दिया। उस पिता की छाती पर हाथ धर के देखिए कि उस पिता के साथ क्या हो रहा है। घर में बजट बनाते हैं, बजट किस तरह से बनता है, उस बजट जब उसका दिक्कत पैदा करता है तो पिता को चिंता नहीं सोने देती है, वो दिन रात उस चिंता में सो नहीं पाता है। आप उसकी तड़पन को नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कई सदस्य तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद ने नहीं किया, पिताजी की और उनके पूर्व की खा रहे हैं, और वो ऐसे बोलते हैं कि हमने कमा के दिए क्या। मैं आपको सत्य कहना चाहता हूं, कई ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं आती, यहां नहीं कहीं भी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं छोड़िए, लेकिन बात ऐसी करते हैं, अरे आप करके देखिए, मालूम पड़ जाएगा, एक काम करने में पसीना आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे इतना भी और कहना चाहता हूं, मैं देख रहा था उनको, मैं उनको देख रहा था, उन पर भी मैं आना चाहता हूं, आऊंगा मैं उन पर भी आने वाला हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं उन, इसलिए एक ही परिवार के, देखिए क्या हो रहा है। अरे भाई मेरे को ये तो बता दो, वो कौन से चक्की का आटा खाते थे, अरे कौन सा पानी पीते थे, हम भी डॉक्टर साहब से कह देते वो पानी लाकर किसी को पिला देते तो किसी का भला हो जाता। कि एक एक आरएस में तीन तीन चार चार एक ही परिवार के सदस्य आ रहे हैं, और फिर ये देखिए, यही नहीं, अरे यही नहीं दादा, यही नहीं, आगे और देखिए, यही नहीं, आगे देखिए, नंबर भी एक ही आ रहे हैं। अरे भाई 80 नहीं आए, 79 आ जाए किसी का, अरे ज्यादा दिक्कत हो तो 81 कर दो, लेकिन नहीं, पूरे जो कहा वही तो करेगा, वो जो कहा है वही तो करेगा, इसलिए वही करके उन्होंने दिखाया। ये राजस्थान किस तरह का प्रदेश बन गया, ये शर्म आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार के बनने के बाद हमने वायदा किया था, सरकार के बनने के बाद तुरंत निर्णय लेते हुए पेपर लीक मामले की कड़ी जांच हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में SIT का गठन हमने किया है। और भर्ती परीक्षाओं की मीटिंग सुनिए साहब, भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव, चौथी बार खड़े हो ठीक नहीं है, DGP लेवल के अधिकारियों से करवाने का नीतिगत निर्णय लिया है। माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायकों की चर्चा में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि केवल एक LDC के पेपर पर जांच लंबित है जो कि हाई कोर्ट की भर्ती से संबंधित है, बाकी की जांच चल रही है, आप किस पेपर लीक की जांच SIT से करवाओगे। ये माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले
सदस्य जी ने कहा था। माननीय सदस्य महोदय, आप अपडेट हो जाएं। मैं सदन के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, रीट परीक्षा 2021 सहित कई पेपर लीक की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने पेपर लीक के मामले की जांच एसआईटी से नहीं सीबीआई से करवाने के लिए कहा था, नहीं कई उधर से भी कहा था, उधर से भी आई है, मेरे पास है, अरे उधर से भी आई है था, अरे उधर से भी आई है। अगर जरूरत हुई तो हम सीबीआई से भी पेपर लीक मामले की जांच कराएंगे, लेकिन युवाओं के साथ जो दर्द और युवाओं के साथ साथ उनके जो पिताजी का दर्द है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पंद्रह दिसंबर को हमारी अरे माननीय सदस्य आप बैठिए, अरे पूरा हो जाने के बाद मेरे से पूरा हो जाने के बाद बात करना, अभी तो बैठिए, अभी बैठिए, आसन पांव पे बैठिए, बैठिए भाई, बैठिए बैठिए, अरे आप बैठिए, हाँ वो दे देंगे जवाब, ये भी सक्षम थे, आप भी सक्षम हो, अरे आप बैठिए, अरे कोई व्यवधान नहीं, बोलिए। हमारी मुस्तैदी का परिणाम है कि 7 जनवरी 2024 और 21 जनवरी 2024 को दो बड़ी परीक्षाएं सुचारू रूप से सभी बात आएंगे भाषण करवा दी गई है। इसी के साथ अगली बार देंगे आपको, बहुत दे दिए। इसी के साथ प्रभावी कार्रवाई करते हुए पेपर लीक प्रकरण में संलिप्त 25 वांछित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। इस अव्यवस्था अविश्वास ताली बजाइए और अत्याचार से अरे भाई अरे बोलने दे, हो गया, आपने थपथपा दी, आपने मेरी थपथपा दी, उसके लिए आपको भी धन्यवाद, बोलिए। इस अव्यवस्था अविश्वास और अत्याचार से निजात दिलाने के लिए जनता ने हमें सेवा का मौका दिया, इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी रोचक है, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बताया गया कि कैसे राजस्थान में पिछले 5 साल से आर्थिक रूप से कमजोर हुआ और प्रदेश का विकास अवरुद्ध कैसे हुआ। पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी वर्ष में अनेक अविवेकपूर्ण निर्णय किए, अत्यधिक कर्ज लेकर करोड़ों रुपए व्यर्थ में खर्च किए। इस वित्तीय कुप्रबंधन से राज कर्ज के जाल में फंसकर बीमारू राज्य बन गया। यही नहीं अध्यक्ष जी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रदेश का कर्ज जीएसडीपी अनुपात पंजाब के बाद सर्वाधिक, मतलब हमारा प्रदेश नीचे से दूसरे स्थान पर है। मैं सुन रहा था नंबर वन, मैंने कहा ये क्या, ये तो नीचे से दूसरे नंबर पर आ रहा है,
ये वित्तीय प्रबंधन किस तरह से रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान राज्य पर लगभग, ये तो सही बताया उन्होंने, 5,80,000 बताया, 5,80,000 करोड़ रुपए का ऋण होना अनुमानित, जबकि 2018-19 के अंत में राज्य पर शांत रहिए कुल भार 3,11,000 का था, करोड़ का। माननीय सदस्य आ रहा हूं मैं, बैठे बैठे न बोले, आ रहा हूं मैं आपके पास भी पहुंच रहा हूं, धीरे धीरे चिंता मत करिए, आपके पास भी पहुंच रहा हूं। मुझे पता है धौलपुर का आप नजदीक हैं, हाँ आप भी, आ रहा हूं मैं। नहीं नहीं धमका नहीं रहा हूँ, आप बैठिए, आपके जवाब दे रहा हूँ, आप बैठिए, आपका जवाब, आपके आधा, ये आपके आधा ठीक नहीं है। आप क्यों खड़े हो रहे हो, आपने तो मेरे से क्वेश्चन पूछा ही नहीं, उन्होंने ईआरसीपी पर पूछा उनका जवाब दूंगा, उन्होंने दूसरा पूछा उनका जवाब दूंगा। अब आपका आपका सुझाव पे विचार करेंगे, अब माननीय अध्यक्ष जी आप जारी रखें। इस प्रकार कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग 2 गुना किया है, थोड़ा सा कम 2 गुना हुआ है। विगत सरकार द्वारा अपनी चुनावी बेहतरणी को पार करने के लिए अपनी फ्लॉप स्कीम के प्रचार प्रसार के लिए अनाधन सरकारी विज्ञापन कर प्रदेश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेला। आप देखते थे दिया लिया कुछ नहीं, कुछ लिया दिया कुछ नहीं, विज्ञापन करोड़ों के हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपसे अध्यक्ष जी निवेदन करना चाहता हूं, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का बंटवारा ही, कांग्रेस ने देश का बंटवारा ही तुष्टीकरण के आधार से लेकर के अब तक, और गरीबी कल्याण की योजनाएं सबसे पहले नेहरू जी ने दी गरीबी हटाओ, इंदिरा जी ने भी दे दी गरीबी हटाओ, राजीव जी से पहले राजीव जी ने दे दी गरीबी हटाओ, उनसे बीच में और आ गए उन्होंने भी कह दी गरीबी हटाओ, फिर उनके फिर आ गए उन्होंने भी कहा गरीबी हटाओ, फिर मनमोहन सिंह जी आ गए गरीबी हटाओ, और माननीय प्रतिपक्ष जी नेताजी के प्रिय चिराग आ गए वो भी गरीबी हटाओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये गरीबी का जुमला कब तक चलने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जनता के बीच में गए थे, आपने वायदा किया था हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, आपने कहा था हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, उनको आपने भत्ता तो नहीं दिया लेकिन उनके खून के आंसू रुवाने का काम आपने कर दिया। यही नहीं, मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से आपकी सरकार ने इस चुनावी बेहतरणी को पार करने के लिए कितने उपाय किए, लेकिन जनता जानती है और जनता आज भी देख रही है, जनता जानती है, उसने बता दिया कि किस तरह की योजनाएं, अगर आपको करनी थी तो हमने तो 15 दिन नहीं हुए जब से प्रारंभ कर दी, 1 जनवरी से घोषणा 26 को की और प्रारंभ कर दी, लगातार कर रहे हैं, हम किसी चुनाव की या लास्ट का इंतजार थोड़ी कर रहे हैं। अरे आपने घोषणा की है, करनी चाहिए थी आपको, लेकिन चुनाव से 2 महीने पहले 3 महीने पहले राजस्थान की जनता ने सोचा ये तो बिल्कुल ऐसा समझ रहे हैं कि अंदर अगर इनको हमने सदन में बैठा दिया तो बाकी राजस्थान की जनता को समझती नहीं है, उसका जवाब आपको उस जनता ने दिया। 2023-24 के अंत में राज्य के प्रत्येक नागरिक पर लगभग 70,800 रुपए का ऋण भार हो जाएगा, जबकि 2018
18-19 में ये 40,000 रुपए था। मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्याज भुगतान में भी अधिक राशि व्यय होने से विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि में कमी हो जाती है। आप कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेने के लिए हमें 4 बार सोचना पड़ता है। आप घर को किस तरह से चलाते हैं, अगर आपके बस की नहीं, आपके 3 बेटे हैं, एक बेटे ने कह दिया मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए, दूसरे ने कह दिया मेरे को तो कार चाहिए, कार भी बढ़िया वाली चाहिए, उसने कह दिया उसने, क्या आप दे देते हैं लाके? मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा कर्तव्य बनता है जनता के उन प्रश्न का जवाब देने का। हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता ने जिस तिजोरी की चाबी को हमने मालिक बनाया है, जनता की बात पर खरा उतरने का। ऐसे थोड़ी होता है कि साहब हम बना दिया तो हमको वोट की खातिर देखना है। मैं आज की तो नहीं लेकिन पहली मैं कहता हूं आपको, इनकी सरकार थी केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आपको इसलिए ध्यान दिलाता हूं हम क्या करते हैं ये क्या करते हैं। केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सिलेंडर पर पैसे कम किए थे, उस ऑर्डर में एक बात लिखी हुई थी, सिलेंडर के पैसे जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहीं किए जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी एक एक स्कीम, हाँ मैं बता रहा हूं ना, गुजरात में कम नहीं हुए थे, गुजरात में हमारी सरकार थी, आपके यहां आपकी सरकार थी, वो ऐसा ऑर्डर सिलेंडर पर पैसे कम किए थे वो, एक मिनट अब लाइए ना, वो ऐसा ऑर्डर भारत सरकार का नहीं था, वो हमारे मुख्यमंत्रियों ने अपनी तरफ से कम किए थे। नहीं, नहीं, नहीं। ये सही है कि गुजरात ने कम नहीं किए और आज भारत सरकार ने कम नहीं किया। ये मुख्यमंत्रियों ने कम नहीं किया, ये केंद्र सरकार ने कम किया था, हमें पता है, हमने उसमें जवाब भी दिया था, क्योंकि उससे पहले हमारी अटल जी की सरकार थी, तो हमने ये कहा था कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश के अंदर कहा था कि जो 2000 की आबादी वाला गांव होगा वो सबसे पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना में जुड़ेगा, 1000 की आबादी होगा वो सेकंड फेज में जुड़ेगा, और 500 की आबादी वाला होगा वो तीसरे फेज में जुड़ेगा। जब हमने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना कोई गांव देखा, ना कोई ढाणी देखी, ना कोई सरकार देखी, उन्होंने देश के हित में ये काम पूरा देश के लिए किया है। मैं अगर इस बात को करता हूं तो क्या ठीक बात है? आज कोई भी व्यक्ति होता है, आप जिस विधानसभा से जीत करके आए हैं आप उस विधानसभा के विधायक हैं, आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करने की स्थिति में हैं, क्योंकि आप पूरी विधानसभा के जाने जाते हैं। आप नहीं करेंगे, फिर भी उम्मीद है साहब आपसे। आगे आगे देखते जाना क्या है। पिछली सरकार ने ना धन का प्रबंधन किया और ना ही सदुपयोग, वित्तीय कुप्रबंधन की पराकाष्ठा से केंद्र से मुझे ताज्जुब हो रहा है साहब, आप सुनेंगे तो आप भी ताज्जुब करेंगे, केंद्र से जल जीवन मिशन के लिए धन का 50% उपयोग भी राज्य सरकार नहीं कर पाई। मैंने अभी अभी उदयपुर और बीकानेर संभाग की बैठक ली, मैंने पूछा जल मिशन में कितना पैसा आया है, उदयपुर वाले बोले 2250 करोड़, 2250 करोड़। तो मैंने लगा कितना है, बोले 400 करोड़। इसकी सीमा कब समाप्त हो रही है, बोले 31 मार्च 2024 को, कब लगाने वाले हैं कोई पता नहीं। अगली बार में फिर मैं बीकानेर संभाग की बैठक ली, मेरे साथ माननीय हमारे विधायक उदयपुर भी थे और यहां भी हैं, मैंने उनसे पूछा आपके यहां कितना है, बोले हाँ हमारे यहां 2230 करोड़ रुपए है, खर्चा कितना हुआ है 300 करोड़। मैं आपसे कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार से आया हुआ पैसा, केंद्र सरकार से आया हुआ पैसा उसको भी आपने उपयोग में नहीं लिया,
और उपयोग में लिया तो कहाँ लिया, जिसकी जांचें चल रही हैं, ईडी घूम रही है, देख रहे हैं किस तरह की भ्रष्टाचार की कहानी कह रहे हैं। आप ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार, किसी भी प्रदेश में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और पिछले समय से लेकर के अब तक ये भ्रष्टाचार की कहानी इस आपके कार्यकाल की लिखी जाएगी। हमें मिली विरासत में चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देकर राज्य की GSDP एवं प्रति आय व्यक्ति वृद्धि कर राज्य को अगले 5 वर्ष में दोबारा भी कहना है मुझे, क्योंकि कई हैं बात पूरी नहीं सुनते, उससे पहले के साहब हुआ नहीं, आपने तो कहा, मैं कह रहा हूं वो सुन लीजिए, $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जो वर्तमान में $170 बिलियन की है। हम एक विश्वास आपको दिलाते हैं कि हम हर समस्या से सुलझने के लिए, हर समस्या से मुकाबला करने के लिए हमारा एक एक सदस्य पूरी तरह से तैयार है। और आप लिख लीजिए, हम जो आपसे वायदा कर रहे हैं इसी सदन में, आज मैं कह रहा हूं आपसे, जितने वायदा आपके बीच में होंगे सदन में बैठ के आपसे कहेंगे उसको समय पर पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास देंगे। बिजली की व्यवस्था मेरे पास कह रहे हैं, मैंने कहा भाई अभी 1 महीना हुआ है, कोशिश कर रहे हैं, अभी आर के सिंह जी से 1000 मेगावाट बिजली के लिए कहा है, उन्होंने 350 की हमसे हाँ की और उन्होंने कहा कि मैं 10-10 दिन के उसमें दे दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं गत कांग्रेस सरकार ने राज्य की बिजली कंपनियों को भी दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण, समय पर ऋण चुकना ना करने के कारण, ये बात का है, ये कौन सा है, वो पहले बड़ा बताता हूं आपको मैं, बड़ा ये छोटा है। पिछली बार भाजपा सरकार द्वारा उदय योजना के अंतर्गत 62,422 करोड़ रुपए आए थे, आपका बिजली का लगभग बराबर हो गया था जब हम आपको दे करके गए थे, लगभग शून्य कर दिया था, लेकिन कांग्रेस राज्य के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण ये ऋण पुनः 88,700 करोड़ हो गए। यही नहीं, जो पिछला मैंने उधर छोड़ा था वो विषय और इंटरेस्ट होगा। देखिए जी, आप पैसा लेकर के आते हैं किसी से, कई लोग होते हैं कि 31 तारीख से पहले दे देंगे तो आपकी ब्याज इतनी होगी, 31 के बाद देंगे तो ब्याज ये होगी, और बैंकों का काम है, साहूकार का भी काम है तो वो करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोन लेकर के उस किस्त को चुकाना है। अरे भाई, ये लोन आप 10 दिन बाद लेंगे तो 10 दिन पहले ले लो, 5 दिन लेंगे तो 5 दिन पहले ले लो। ये इसका है कि उपलब्ध वित्तीय संसाधन को प्रबंधन कारण, समय पर ऋण चुकता ना करने के कारण 300 करोड़ रुपए का तो पेनल्टी है, पेनल्टी है ये बिजली विभाग की 300 करोड़ रुपए की। अरे भाई, हम घर में भी देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते साहब, घर में भी देखते हैं कि पैसा हमें कब चुकाना है, अगर ज्यादा लगता है तो चिंता होनी है, पड़ोसी से मांग करके लाते हैं और उसको देते हैं, किसी से लाते हैं किसी से देते हैं। अरे आपको तो बैंक से लोन लेना था तो उसकी लोन की लेने की चिंता पहले क्यों नहीं की आपने? ये 300 करोड़ रुपए का जो भार है ये सिर्फ पेनल्टी है, ये लापरवाही देखिए। आप कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अरे कहां ले जाओगे, इस राजस्थान को गर्त में डालने का काम आपने किया है। विगत 5 वर्षों में राजस्थान में सरकार की लापरवाही, संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश में बिजली का संकट रहा है। पिछली
भाजपा सरकार, जैसा मैंने बताया आपको, पिछली सरकार ने आमजन के बीच में गफलत की स्थिति पैदा कर दी। कभी 100 यूनिट मुफ्त देंगे, कभी 200 यूनिट मुफ्त देंगे। और एक और गफलत सबसे बड़ी हो रही है, वो गफलत ये हो रही है जिनके 100 यूनिट वाले हैं उनके घर में बिजली नहीं जा रही है, घर में बिजली नहीं जा रही है। उत्पादन वाला कह रहा है मैंने तो इतनी उत्पादन कर दी, अब उनमें होड़ वहां लग गई, होड़ इसलिए लग गई कि वहां से बिजली का उत्पादन का कितना भार हो रहा है, आपने कंज्यूमर को कितनी बिजली दी। अब जिसको 100 यूनिट देनी थी वो तो फ्री है, उसका घर तो बंद है, ताला लग रहा है, लेकिन उसका भी बिल देख लेना, आप मंगा लेना। आप वहां रहते हो, 100 की 100 यूनिट का बिल जा रहा है, 90 का, 95 का पूरा बिल जा रहा है, जिससे वो उत्पादन बारा किसान को 2000 जा रहा है। अरे किसान का कभी तो कम होता होगा भैया, ये ज्यादा निकलता होगा, लेकिन उस पर भी लगाते हुए उस बिल में भी, अरे ऐसा क्यों? उत्पादन वाला बढ़ा रहा है जिससे उसके पैसे उसको मिल जाए, उसमें से आधा मेरा भी कहीं ना कहीं काम चल जाए। ये स्थिति पैदा बिजली के अंदर हो रही है। मैं आपको ये सारी चीजें बताना चाहता हूँ। ग्रामीण शहरी आमजन गांव में हमारे किसान भाई विद्युत कटौती का दंड झेलने को मजबूर हैं। गत सरकार के समय राज्य के उत्पादन के पावर प्लांट में कोयले की कमी, आहा कितनी बड़ी बात आई है। अरे भाई जी हमसे तो आप नाराज हो रहे हैं, अरे हमारा पड़ोसी अगर हमारा है तो हम को उसका फायदा लेंगे जब वो कोई भी हो। अरे तुम्हारा पड़ोसी भी तो था, अरे छत्तीसगढ़ में तुम्हारा ही भाई था, लेकिन वहां क्या हुआ? वहां देखिए आप, छत्तीसगढ़ से कोयला आता है। अब हमने 3 दिन में कोयला चालू करा दिया ना, हमारा विष्णु भाई आया तो हमने कह दिया विष्णु भाई कोयला दे, तुरंत 3 बार फोन आया, रात को 11:30 बजे फोन आया, भाई जी मैंने आपका काम कर दिया और काम चालू। ये होता है, अरे आप उसका भी लाभ नहीं ले सके। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी, अरे ऐसा क्या कर सकते भाई, आपको लाना। लेकिन हुआ क्या उसमें, सौदा यह हुआ कि साइड कोयले की कोई सी थी, साइड को दूसरी बता दिया, साइड को दूसरी बात बता करके उसका ट्रांसपोर्ट का काम उसको दे दिया। उसमें आ रहा है कोयले में मिट्टी, कोयले में पत्थर। अब वो पत्थर और मिट्टी आएगा तो वो बिजली उत्पादन करेगा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्लांट है वो 56% बिजली उत्पादन कर रहे हैं, और जो प्राइवेट है वो कितना कर रहे हैं? 75, 74, 76। भाई ये अंतर 20 का क्यों है? अरे आपको देखना चाहिए अंतर क्यों है? हमने तो अभी भी देखा है, हमने कहा है उनसे अगर इससे कम होगी तो हम नहीं मानेंगे। प्राइवेट जितना करे उसे थोड़ा बहुत परसेंट 2% कम हो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, छिजक जाती है, लेकिन ये पूरा होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्या हम कोई देखने वाला नहीं था? क्या कोई समझने वाला नहीं था? वही है प्लांट, लेकिन उस प्लांट में 50, 53, 55% पैदा हो रही है, प्राइवेट वाले में 75%, 74% पैदा हो रही है। ये कौन सा अंतर है, ये कौन सा घोटाला है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी उत्पादन की कमी के कारण एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदी गई, इसमें भी घोटाला है। एक्सचेंज से बिजली खरीदी गई, अब हमने छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार से बात कर केंद्र सरकार के सहयोग से कोयले की आपूर्ति हमने सुचारू की है, और उसमें भी मैं बताना चाहता हूं। अब कहोगे जो हमारे छत्तीसगढ़ से कोयला आ रहा है उससे हमारा है सस्ती रेट में आ रहा है, अगर कोयला हमें नहीं मिलता है तो कोल इंडिया से लेना पड़ता है, आपके ही उसमें है वो 40% महंगा, बिजली वालों से पूछ लीजिए 40% महंगा आता है, 40% महंगा, 40% महंगा वो कोयला कोल इंडिया से आता, 40% महंगा कोयला है, हैं? कौन आप तो सुनते चलो साहब, जो चिंता कर रहे हो मैं तो आपको कर रहा हूं ना, मैं तो आपको कर रहा हूं, क्यों चिंता कर रहे हो? हमारी सरकार सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं का दोहन करते हुए राज्य को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी। आम नागरिक उद्योगों एवं किसान भाइयों को गुणवत्ता बिजली पूर्ति आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। और कभी कभी कहते हैं, क्योंकि फिर वही विषय आ रहा है तो आपको लगेगा कि कहते हैं ना आपने पेटेंट, अरे पेटेंट तो हमारे
मन में नहीं, बार बार में है। राम हमारे रोम रोम में, आराध्य दे हमारे। आपको कुछ नहीं होती, आप नहीं जाएंगे। मैंने आगे भी काम किया, वो आगे आएगा भी। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। प्रदेश में हम भी हर घर सोलर सिस्टम लगाकर सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित कर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेंगे। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य के शिक्षित युवाओं को सूर्य मित्र, वायु मित्र के रूप में विशेष अभियान चलाकर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे नवयुवकों को रोजगार भी मिलेगा। इधर सुन लीजिए सर, रोजगार भी मिलेगा और अवसर उपलब्ध हो सकेंगे उसको। उधर ही है मैं। हमारी सरकार विद्युत क्षेत्र में परिचालन व तकनीकी सुधारों को लागू कर विद्युत संत्र को सुदृढ़ और कुशल बनाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली के बारे में कहते थे लेकिन आपने बिजली की स्थिति देख ली। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय गंगापुर से आने वाले सदस्य माननीय कह रहे थे, कल मैं सुन रहा था ERCP माननीय ने नाम सुना है। नाम सुनकर के ही वो, मुझे पता है आप ज्यादा चक्कर मत आया करो जी, हमारे सीधे साधे आदमी हो। वो जो कह देते हैं पर्ची जिन्होंने दे दी उन्होंने पढ़ दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहले कोई एमओ हुआ है ERCP का, वो किसके पास है? आपके पास कॉपी है क्या? अगर आपके पास कॉपी हो तो मेरे को भिजवा दो। आप बता रहे थे, नहीं आपके पास होगी, पहले बता रहे ना, पहले हुआ है, उसमें कमी हो गई, उसमें ज्यादा हो गया, तो कॉपी हमको दे दीजिए। मैं आपसे अध्यक्ष जी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, सभापति जी मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि ये योजना हमारे यशस्वी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ की थी। आपको ध्यान होगा क्योंकि हम जिस विचार को लेकर के चलते हैं उस विचार को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारा अंत्योदय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसे लेकर के चलने वाले हैं। हमारा हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि उसमें विश्वास करता है। माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी योजनाएं थी हर गांव से सड़क को जोड़ना, हर गांव को सड़क से जोड़ना। दूसरा उनकी योजना थी कि नदी से नदी जोड़कर इस देश के किसान को, इस देश को कैसे खुशहाल बनाए। यह तीन चार में यह योजना, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार चली गई और वो योजना ठप हो गई। लेकिन उस योजना के समय, उस समय हमारी इस योजना की चर्चा चली थी। नदियों से नदियों जोड़ने का काम हमारा प्रारंभ हुआ और ERCP की चर्चा हमने उस समय की थी। लेकिन उसके तुरंत बाद केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार और 2008 में भी कांग्रेस की सरकार, 2013 में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की सरकार आई, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उसमें हमने निर्णय लिया ERCP का कि हमने 13 जिलों को हमें जोड़ा जाएगा और दोनों राज्यों से समझौता होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं वो योजना हमारी, हमने उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन 2018 में हमारी सरकार चली गई। 2018 में हमारी सरकार जाने के बाद मैंने भी हर इस सदन के भाषण में भी सुना,
और भाषणों में भी सुना। सर पर पूर्वी राजस्थान की जनता को एक धोखा देने वाली बात थी। मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने कोई काम किया तो वो बताइए, आपने कोई एम किया तो वो भी बताइए, आपने किसी तरह का उसमें आगे बढ़ करके कोई अपना काम दिखाया हो तो वो भी मुझे बताइए। गत कांग्रेस ने ईआरसीपी पर पूरे 5 साल राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। हमने 1.5 महीने के अंदर एमओ कर इस जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने की बुनियादी नींव डाली। इसलिए कहते हैं कि हम सपने नहीं हकीकत बनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। अब सरकार के ट्रिपल इंजन की बहुउद्देशीय ईआरसीपी के सपने को हकीकत में तब्दील करेंगे। कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी को लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम किया, इसके साथ ही जनता को भ्रमित और गुमराह करने का काम किया। मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप कहेंगे कि आपकी वहां सरकार थी, हमारी नहीं थी। अरे पहले तो आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री ने लिख करके दिया कि हम नहीं देंगे। अरे हमारे मुख्यमंत्री तो यहां आकर के गए, साथ लेकर के गए, समझौता किया है। अगर दोस्ती हो तो ऐसी हो, पार्टी हो तो ऐसी हो, यहां नहीं। यहां आए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहां आए साथ लेकर के गए कि चलिए एक राजस्थान और मध्य प्रदेश की ऐसी योजना है, जनता उसको याद करेगी, जनता को पीने को पानी मिलेगा, सिंचाई को पानी मिलेगा। और आए और आकर के एमओ दिल्ली गए और वो पूरी तरह से, आप कह रहे हैं ऐसा हो गया, मैं देख रहा था, इससे तो साफ ये हो गया। अरे भाई आप कुछ नहीं करें तो हम इसमें क्या करें। अरे ये तो दृढ़ से इच्छा शक्ति होती है, काम बड़ा नहीं होता है, अगर बड़ा कोई होता है तो उसको ठीक ढंग से, मन से, तन से और हिम्मत से और ईमानदारी से करे तो उसकी इच्छा शक्ति होती है, और जो इच्छा शक्ति होती है कोई काम करता है। आप लपेटे में आ गए, ये कांग्रेस सरकार आप देख रहे हो। मित्रों मुझे कभी कभी बड़ा तरस आता है, क्योंकि मैं संगठन का कार्यकर्ता, लंबे समय मैंने संगठन में आप पार्टी के लोगों के बीच में मैंने काम किया है, लेकिन कभी कभी पूरे देश में भी मेरे को जाने का अवसर मिला है। कोई एक दो प्रदेश रहे होंगे, बाकी पूरे देश के अंदर में चुनावों में वैसे में गया हूं, लेकिन कभी कभी मुझे बड़ा तरस आता है। आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता जी को भी मैंने सुना, उन्होंने भी कहा अगर कोई व्यक्ति है आपको देख रहा है, आंख बंद करके पूरी तरह से आप समर्पित हो जाओ, ये कब तक करोगे आप, कब तक करोगे आप। मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, दूसरा कोई स्थान ही नहीं था रोज राजनीतिक दल। ले आपके नेगेटिव विचारों ने, आपकी विचारधारा ने, आपके उस काम ने, आपकी उस झूठ ने, आपने जनता के बीच किए वायदे भूल करके आपको देश से तो हटा ही दिया। 2-3 प्रदेश, मात्र 2-3 प्रदेश में रह गए, 2-3 प्रदेश में, और आने वाले समय में क्या होगा यह भी नहीं पता। केंद्र में जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो वो किसी प्रदेश में जाकर के इस बात को कहे कि मेरे से समझौता कर लो, आप मेरे को 5 ही दे दो, आप मेरे को 7 ही दे दो, आप चाहो जितनी रखो, ये क्या स्थिति हो गई हमारी। क्या कभी हमने इस बात को लेकर के विचार किया
निश्चित रूप से इस बात को लेकर के विचार करना चाहिए। और आपको मैं बड़ी बात इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद जिन देश की आजादी जिन लोगों ने लड़ी थी, जिनके जो सपने थे राष्ट्रवादी लोग, आजादी के बाद उन्होंने देश की राह को ठीक नहीं समझा। उन्होंने मन में सोचा, क्योंकि आजादी से पहले कुछ तो दुनिया से चले गए, कुछ उम्र के पड़ाव पर आ गए, लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, देश की स्थिति ठीक नहीं लगी। वो अंतरिम सरकार थी, कोई चुनाव की सरकार नहीं थी। हमारे भी माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में उद्योग मंत्री थे, लेकिन जब उनको लगा कि देश सही दिशा में नहीं जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, उसमें से भी जिन्होंने आजादी की लड़ाई तरीके से आप 5-7-8 राष्ट्रवादी लोग निकल करके आए, और उन्होंने कहा कोई ना कोई राजनीतिक दल जरूरी है। 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से एक राष्ट्रवादी दल, और यही नहीं 8-10 लोगों का था। अगर उनकी नीति ठीक थी, नियत ठीक थी, तो आज वो 8-10 लोगों का दल वो देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ये मैं आपको कह रहा हूं। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के वायदों को भूल जाते हैं। आपके नेता कहते थे एक बार तो बस सर्वे करा दो, 4 एक्शनों को जाके गांव में कह दो, एक्शन से सर्वे करा दो, बिजली की करा दो, सड़क की करा दो, अगली बार सफेदी डलवा दो, 5 साल बाद में खुदवा दो उसको, फिर बनवा दो। ऐसे कब तक वोट लेंगे, कब तक करेंगे? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार देखिए, आपको विचार करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कोई ना कोई प्रतिपक्ष भी मजबूत हो, देश के अंदर अच्छा हो, बढ़िया हो, नीतियों में सहयोग करे, काम में सहयोग करे, क्योंकि विरोधी हमारी ताकत होता है। अगर विरोधी नहीं होगा तो हमारी भी कल्पना में अंतर आ सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि 2000 इसीलिए ये हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, ईआरसीपी पर आप राजनीति कर रहे हैं। अरे आपको पानी मिलेगा, गंगापुर से आने वाले सदस्यों के लिए आपको पानी मिलेगा, हाँ, और मैं इसलिए कह रहा हूं मिलेगा, आप सुन लीजिए, आपको भी मिलवाएंगे, चिंता मत करिए। हमारे आपने हमसे कहा आपको भी, वादा पक्का आपको मिलेगा। मैं कह रहा हूं ना, आपके सदन में बीच में खड़े होके कह रहा हूं, आपको भी मिलेगा, आप लिख लीजिए, मिलेगा आपको, बैठे और जल्दी मिलेगा, बैठो। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सुन, माननीय सदस्य, आप बैठिए, आप बैठिए, पूरा बताऊंगा आपको, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पूरा बताऊंगा आपको, पूरा बताऊंगा, लाभ भी बताऊंगा, चिंता मत करिए। अरे बिराजो सुनिए, अरे बिराजो सुनिए पूरा, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले ही मेरे वाक्य में कहा कि मैं किसान पुत्र हूं, और किसान पुत्र भी छोटा, अंतर इतना है कि मैं खेत कहता हूं और खेती है, आपके फार्म हाउस है, अंतर है। आप बात तो कह सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं जान सकते। हकीकत वो जानता है जिसके पैर में विवाही पड़ती है, जो उन गरीबों के पास रहा हो, जिसने गरीबी देखी हो, जिसने गरीब का सहयोग किया हो।
जिसने उस किसान को देखा हो, अरे मैं तो काम करने वाला आदमी, अभी भी जाता था तो काम खेती में काम करता हूँ, पिताजी मेरे 80 साल के, लेकिन हम काम करते हैं, किसान आदमी है, हम जाते हैं, मैंने, अरे मैं कहता हूँ मैंने किया है, अरे आप ट्रैक्टर की तो बाद में चला, पहले मैंने हल चलाया है, बैल का, मेरे जीवन में चलाया है, बैल का हल चलाया है, मैं 40 फुट नीचे, हाँ नागौर का ही है, सही कह रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ, नागौर में लेने भी गया हूँ, मालगाड़ी में बैठ के आया हूँ, नागौर में बैठ नहीं, नागौर में बैल लेने गया हूँ पर्वत सत के मेले में, और मैं मालगाड़ी में बैठ के भी आया हूँ, गाड़ी में नहीं, मालगाड़ी में बैठ के आया हूँ, हाँ मालगाड़ी में बैठ गया, अरे बैठिए मुख्यमंत्री जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ वो माननीय हमारे गंगापुर से आने वाले विधायक जी कह रहे थे, इसलिए मैं समझौता कच्चा नहीं करता, क्योंकि किसान के दर्द को मुझे पता है, मैं 40 फीट कितना 40 फीट गहरे गड्ढे में नीचे उतरा हूँ, मैंने हवा काटी है, मैं वहां से निकल करके आया हूँ, कल की बात छोड़ दीजिए मैं वहां से निकल करके आया हूँ, उसमें से मैं निकला हूँ, दिन में 10 बार गया हूँ, 10 बार बाहर आया हूँ, मैंने देखा है, आप मजाक कर रहे हो डोटासरा जी, आपके तो नौकर लगे रहते होंगे, इसलिए काम हम तो खुद ही करने वाले और खुद ही नौकर हैं, चिंता मत करिए आप, नहीं आपके यहाँ नौकर रहते होंगे इसलिए आप मजाक कर रहे हैं, मैं तो खुद ही करने वाला हूँ, यही स्थिति है, आपने गरीबों की इसी तरह से मजाक किया है आपने, आपने किसानों की मजदूरों की हंसी उड़ाने का काम किया है, इसलिए आज आपकी स्थिति है, तो आप सिमट करके रह गए, मैं माननीय सदस्य अब बड़े आपने सर्वदलीय बैठक में निर्णय होने का, क्योंकि जनवरी 2020 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम श्री कमलनाथ जी ने CWC की को पत्र लिखकर ERCP का विरोध किया, वो पत्र आपको नहीं हो तो मैं दे दूं, जो उन्होंने विरोध किया था वो पत्र आपके पास नहीं हो तो मैं दे दूंगा, आप उन्होंने विरोध किया है, सर्वदलीय बैठकों में निर्णय होने के बाद भी तत्कालीन सीएम ने CWC की बैठक में अधिकारियों और CS को भी जाने से रोका, गए नहीं, अरे बैठक में चले जाते क्या दिक्कत आ दी, वो तो सभी की होती है, देश के लिए काम था, राज्य की भलाई के लिए काम था, CWC लगातार पत्र लिखता रहा, लेकिन इनके कान पर जू तक नहीं रेंगे, कुछ नहीं किया, आप सुनिए, आपको पानी नहीं पिलाना चाहते थे गंगापुर से आने वाले विधायक जी को, कह रहा हूँ मैं आपको, मैं ही पानी पिलाऊंगा, चिंता मत करिए, ये सरकार पानी पिलाएगी, पानी नल से जल, आप पानी की बात मत करिए, नल से जल की बात कर रहा हूँ मैं, नल से जल मैं पानी पिलाने का मतलब दूसरा होता है, कौन से की बात कर रहे हो, नहीं नल से जल की बात कर रहा हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष में नल से जल की बात कर रहा हूँ, वर्ष 2019 से लेकर के वर्ष 2023 तक, चाहे बजट भाषण हो या माननीय राज्यपाल का अभिभाषण हो, ERCP का जिक्र इसमें जरूर किया गया है, लेकिन इस जिक्र की कभी फिक्र नहीं की गई, जिक्र रहा फिक्र नहीं हुई, ERCP को लेकर कांग्रेस सरकार द्वारा इसके समाधान की मंशा कभी नहीं रही, आपकी मंशा कभी नहीं रही, सिर्फ आप इसको इशू बनाना चाहते थे, आप इसको ये करना चाहते थे कि नहीं, आपको मैं आगे और भी बताने वाला हूँ कि आप चिंता मत करिए, आपके मन की आशंका शंका और इसके बाद भी रहे तो कल परसों में फिर आ जाना, फिर बता दूंगा आपको, इनको बात नहीं नहीं बैठिए, अब ये मेरे को समय दिया तो मैं सुना दो करूंगा, आपको क्यों चिंता कर रहे हो, आपको जल्दी जाने की है क्या, नहीं अच्छा अच्छा ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैंने वही कहा है, लेकिन अब डबल इंजन नहीं, सब सुनोगे क्या, आप कह रहे थे डबल इंजन, मैंने इसलिए कहा है,
आप सुन लिए, मैंने इसलिए कहा है, मैं डबल इंजन की तो कह रहा था, लेकिन डबल इंजन नहीं, अब ये ट्रिपल इंजन हो गया। क्योंकि ये क्यों, लेकिन अब ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन है कि सरकार ईआरसीपी के सपने को हकीकत में बदलेगी। दो सरकार साथ साथ में काम करेंगी, एक केंद्र की सरकार हमारा पूरी तरह सहयोग देगी। आप कह रहे थे, मैं सुन रहा था, कोई कह रहे थे टेम्पू है, माननीय विधायक बहुत सीनियर है, कहते हैं गए, हाँ उनको पता था क्या होना है इसलिए गए। ट्रिपल वो कह रहे थे टेम्पू, टेम्पू कह रहे थे, मैं सुन रहा था। वाह, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मैं उनपे भी आ रहा हूँ, उनका भी होगा आगे। समझौते में राजस्थान राज्य हेतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में सम्मिलित जो बैराज हैं, एक बात बताइए, आप मेरे से कह रहे थे, कई लोगों के प्रश्न थे, डाक साहब से कह रहे थे, पानी आना है उधर से और इधर जाना है, बड़ा बांध इधर है, बड़ा बांध इधर है, और वो नीचे के तीन बांधों में होके जाना है, तो क्या उसके लिए पाइपलाइन डाल के ले जाएंगे आप? कैसे ले जाएंगे उस पानी को? जाएगा तो उन तीनों बांधों में होके। जब आपको ये पता है कि इस बांध से उस बांध में जाने में तीन बांध बीच में आते हैं, तो उनका जिक्र करना आवश्यक है क्या? आप बता दो मेरे को। मैं तो यहाँ से खेत में पानी जाता है, उस मेहर तक जाता है, तो वो खेत में होके जाता है, इधर उधर तो नहीं जाता कि दूसरी जगह चले आए, जाता है क्या डोटासरा जी? आप ही बताइए, आपके लोग ये कह रहे हैं, आपके लोग ये कह रहे हैं कि इस बांध का नहीं उस बांध का। अरे भाई, रास्ते में जो बांध पड़ रहे हैं तो वो तो भरने वाले हैं, उनका नाम डालने करके इसमें क्या फायदा है? अरे आप बताइए ना, डालना है क्या उसमें? अगर संख्या बढ़ानी है, संख्या बढ़ानी है तो हम तो डाल देंगे, हमें क्या दिक्कत आ रही है, हमारे तो है उसमें। मैं आपको इतना ही पूरा बताऊंगा, थोड़ा पहले वो बता दूं, बाद में बताऊं इसको। आज तो संक्षेप आप सुन लीजिए, पूरा आपके लिए आ जाएगा। आज संक्षेप में बता दो इनको। ईआरसीपी द्वारा, अब सुन लिए, सुनिए, हाँ, ईआरसीपी द्वारा राजस्थान में मैं ये कह रहा हूँ, ईआरसीपी द्वारा बैठो, राजस्थान के 13 जिले हैं, आपका भी अगर मैं बता दूं, आपने कितने जिलों की बनाई थी? सुन लिया, 3 जिलों की बनाई थी, उसमें पैसा कितना? 500 करोड़, उसको भी दिखा रहे थे, क्या कर रहे थे? जल जीवन के वो पैसे लगा दिए, कुछ इधर इधर गए, कुछ उधर गए, यही तो कहना चाहता हूं मैं आपसे, कहना चाहता हूं 13 जिले हैं, 13 जिलों में पीने की पानी की व्यवस्था होगी, और मैं इतना तो मैं जानता हूं, मेरे से कहा ऐसा ऐसा होना है, मैंने नहीं होना है, हमारी शर्तों के हिसाब से होना है, ये हमारी शर्तों के हिसाब से हुआ है। हमने कहा 280,000 हेक्टर सिंचाई के लिए पानी हम लेंगे, 280,000, और यही नहीं, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपको कितना चाहिए आप ये बता दीजिए। अरे आप मेरे को लिख के दे दीजिए, आप, अरे सुनिए, आप मेरे को, ऐसा है आपको जब पता ही नहीं है कुछ, तो आप बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, आपके कोई जानकार हो उनको पूछ लीजिए, आप हमको बता दीजिए ना, उससे ज्यादा ले लेना हमसे, आप बताइए कितना चाहिए आपको। कमाल की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, कोई हमसे धोखा कर सकता है? अरे हम, बैठिए, अरे हम किसान हैं, माननीय सदस्य राजो, 35 सौ 10 से ज्यादा मिलेगा आज आपसे कह रहे हैं, और यही नहीं, आगे और नहीं जोड़ना है क्या हमें? आप तो यहाँ गंगापुर रह जाते हो, हम तो भरतपुर रहते हैं, हमने तो गन्ने को भी पानी चाहिए उसमें से, हमें तो सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए, हमने तो रामगढ़ बांध भी भरना है, और रामगढ़ बांध से कितना जाता है वो भी देख लीजिए। हमारी जो है समझौता,
जो पूर्ण रूप से है वो ही समझौता है। आप गलत फहमी मत फैलाइए लोगों में, गलत वो मत करिए। जितना है उतना ही है, उतना ही आएगा, उतना ही लेंगे। स्थिति हो रही है बता दिया ना, 3510 है, उससे ज्यादा मिलेगा। क्या बात करते हो? और यह समझौता तुमने नहीं किया? नहीं, एक देखिए माननीय अध्यक्ष जी, एक देखिए, ये ऐसे बात कर रहे हैं कि आप, ये समझौता हमने किया था, आपने ऐसा कर दिया। अरे भाई तुमने क्या कर दिया? ये हमारा ही था, हम जितना है जितना करेंगे। तुम कौन होते हो? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? काहे के लिए पूछ रहे हो? क्या किया तुमने? क्यों पूछ रहे हो? हमने हमारा था, जितना है जितना लेंगे, जितना है जितना छोड़ेंगे। तुम क्यों, क्या बात करना चाहते हो? ऐसे पूछ रहे हैं भाई? मैं आपको जवाब देता, सुनिए मैं आपको जवाब देता, एक मिनट मेरी सुनिए, मैं आपको जवाब देता। आप मेरे से इस बात को कहते कि हमारी योजना थी, हमने इतने की योजना बनाई, आपने उसमें से इतना पानी छोड़ दिया, आपने इतना क्यों नहीं लिया? वो हमारी थी, वही हमने बता दी। आप कह रहे ठीक है साहब, ठीक है, यही ठीक है। क्यों, आपने कोई योजना बनाई क्या? आपने कुछ बनाया क्या? आप बता, मैं तो आप कह रहा हूँ आपसे, आप मेरे को बता दो कितना चाहिए, वो दे देंगे आपको। क्यों चिंता करते हो? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे बता दिया ना, कितनी बार पूछोगे आप? सारी चीजें आप आ जाना, बता दूंगा आपको कितना चाहिए, आपको उतना बता देना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वीजन एवं संकल्प पत्र आज समाप्त हो जाएगा क्या? माननीय अध्यक्ष जी, हाँ सुनो आप, अरे भाई माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनिए, बीच में आप देखो ऐसा है, आपने देखा होगा, बीच में अगर आप कहोगे तो अगर आधे एक मिनट का गैप आएगा वो आगे 7 मिनट का नुकसान तो करेगा ही। ये तो आप मान लीजिए। और मैं एक बात और बता दूं, मैं तो पहली बार आया हूँ, इसलिए मैं पहली बार आया हूँ, मैं आपके बीच में बात रख रहा हूँ, तो मैं तो कम समय ही ले रहा हूँ, आपका ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मैं हमारी सरकार ने सेवा में आते ही प्रदेश की जनता से किए अपने वादे, माननीय अध्यक्ष जी, किए अपने वादों पर कार्य करना शुरू कर दिया है। हम बोल रही है घोषणा वाले, सिर्फ घोषणा करके, घोषणा करनी है, आकर क्या होगा क्या नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं है। हमने जो वादे किए हैं उन वादों को हमने प्रारंभ कर दिया है। आप लोग अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र को सरकार की नीति का दस्तावेज सुनिए स्वीकार कर लिया है। अभ्यास है मेरा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई गारंटियों को हम प्राथमिकता से लागू करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान संकल्प पत्र 2023 में सब गरीब परिवारों की महिलाओं को हमने वायदा किया था गरीब महिलाओं को 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने का। अध्यक्ष जी, हम भी इंतजार कर सकते थे, हम भी कह सकते थे एक महीने बाद देंगे। हमने, हमारी सरकार के 8 दिन बनने के बाद ही हमने फैसला ले लिया और हमने कह दिया कि 1 जनवरी से हम 73 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमारा 1 जनवरी से प्रारंभ हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, 450 तेल डालो थोड़ा,
450 नहीं 450 का है। माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है और मेरे सदस्यों ने उसका जिक्र भी किया है कि हमारी सरकार ने नाम बदलने का काम किया है। मैं आप सदस्यों से, जिसको नहीं पता हो वो कर सकता, जिसको पता है वो मेरे को बताना कि हमने किया है। हमारी 2013 से की जो सरकार थी उसमें हमारी इस रसोई का नाम क्या था? क्या नाम था? लेकिन नाम बदलने का काम किसने किया और आरोप किस पर लगा रहे हैं? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि मैं गांव का आदमी हूं, पहले भी कहा। आपको पता होगा जब पहली बार, हाँ तो बहन जी आपको भी कह रहा हूं, आप भी जानते होंगे, जब पहली बार अषाढ़ के महीने में बारिश होती है, अषाढ़ या जेठ कहीं आगे कहीं पीछे हो जाती है, साड़ी माना जाता है, बारिश होती है और जब किसान घर से पूजा करके निकलता है, उस बीज को लेकर के जाता है, किसान पूजा करके निकलता है और बीज को लेकर के जाता है, और जब खेत के अंदर पहुंचता है तो वो धरती माँ को प्रणाम करता है, तीन बार प्रणाम करता है और वो कहता है कि धरती माँ, मैं आपसे विनती करता हूं कि इसमें मेरे बाल बच्चे, मेरा परिवार, आया हुआ मेरा अतिथि, मेरा आया हुआ साधु संत महंत नटवाट काम करने वाले पशु पक्षी, हे ईश्वर, हे मां, हे अन्नपूर्णा मां, तुम सबको देना। पहला बाइक होता है उसका। आप भूल गए क्योंकि जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो नीचे की बात हमें ध्यान नहीं रहती। आप उनको भूल करके आपने ऐसा पवित्र नाम, जो मोदी जी जब माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, अमेरिका में जब एक संग्रहालय में वो पहुंचे, जब उन्होंने देखा कि ये मूर्ति किसकी है, तो उन्होंने कहा कि साहब इस पे लिखा हुआ है अन्नपूर्णा। बोले अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां संग्रहालय में यहां कैसे हो सकती है? इसका तो कहीं दूर दूर तक यहां से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी ने पता लगाने के बाद मालूम हुआ 106 वर्ष पहले वो चोरी गई थी, चोरी। अन्नपूर्णा मात की मूर्ति बनारसी बाबा के मंदिर में से चोरी गई थी, ये जानकारी मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी उस अन्नपूर्णा की मूर्ति को लेकर के आए और माननीय भोलेनाथ के बगल में उन्होंने उसका पदार्पण करने का काम। अरे हम बोलोग हैं, हमारी पहचान, हमारी हजारों साल की संस्कृति जिससे जुड़ी हुई है। कभी किसी की बात आती है तो वोट के खातिर हम हमारी संस्कृति को भी भूल जाते हैं। अरे ध्यान करो, आप कहते हैं राम कहाँ है? राम रोम रोम में, राम सबके हृदय में है। आप ध्यान करिए, आज भी आपका साया कुछ भी हो, लेकिन पंडित जी से अगर पूछोगे तो आपके उस पीपे और घी को और सामान को 2 महीने अंदर करा देता है। वो ये कहता है कि आपकी शादी बच्चे की या बच्चे की नहीं बन रही है, आप शादी नहीं करते हैं और आप 2 महीने इंतजार करते हैं, अच्छा साया आता है तो करते हैं। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, उनकी स्थिति दूसरी है, लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, इस अन्नपूर्णा रसोई का नाम हमारा था, हमने कौन सा गुनाह कर दिया?
हमने श्री अन्नपूर्णा का नाम दिया और श्री अन्न हमने कहा है श्री अन्न मोटा अनाज मिनट। आज पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा विदेशों में चर्चा है और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री अन्न की सबसे ज्यादा पैदावार राजस्थान के अंदर हुई। आपने ऐसे कर दिया नाम बदल दिया। नाम नहीं बदला। आप 400 ग्राम देते थे पेट भी नहीं पड़ता था, दूसरी थाली लेता था वो खपती नहीं थी, उसके पैसे बेकार जाते थे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे पास सूची है पूरी, ग्रामीण क्षेत्र में 1900 इंदिरा रसोई, शहरी क्षेत्र में 1000 इंदिरा रसोई। एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या उनकी संख्या में घटाबड़ी नहीं हो सकती? क्या उसमें घटाबड़ी नहीं हो सकती क्या? अरे गांव में जो आपने दिखा रखा है जांच करा लीजिए। अरे गांव का आदमी तो वो व्यक्ति होता है कि आने वाले 10 नहीं 15 हो 20 हो 80 उनको सबको खाना खिला करके भेजता है। आप उस गांव में चला रहे, उसमें भी एक बात आती है, मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें भी बात क्या आती है कि संख्या उतनी है। अरे भाई 100 की संख्या निर्धारित है क्या? कभी 101 102 105 90 पिचन में नहीं हो सकते क्या? क्योंकि वो ऐसे लोगों को दे रखा है इंदिरा रसोई का काम जो उसमें भी। हमने कहा है और मैं आपको बता दूंगा, आप देख लेना फोटो कैसे है, अगर आपके पास नहीं तो मैं बता दूंगा फोटो से फोटो। उसमें तय यह है कि आदमी खाना खाता है तो खाने खाते हुए आदमी का फोटो लेकर के भेज दो, फोटो से फोटो खींच कर। उसने फोटो बता दिया अपने पास रख रखे, किसी का फोटो खींचा भेज दिया। क्या स्थिति हो रही है? क्या देना चाहते हैं आपके उनको किस तरह से भरोसा? अरे आस पराई जो करे जीमत ही मर जाए। अगर आपकी इसी आस पे राजस्थान की जनता की इस आस पे जी रहा है उसको कोई जीने का हक नहीं है। ईमानदारी से काम करना पड़ेगा कोई भी हो। ये घाल मेल तो नहीं चलने वाला है, आप याद कर लीजिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रदेश में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्नपूर्ण रसोई योजना में 6 जनवरी 2024 से भोजन सामग्री का वजन 450 से बढ़ा करके 600 ग्राम किया है। प्रति थाली राज्य की अनुदान 17 रुपए था, हमने 22 रुपए बढ़ाया है, उस पर भार नहीं डाला। हमने इंदिरा रसोई में हो रहे भ्रष्टाचार और चोरी को भी रोकना हमारा काम है, उसे भी हम रोकेंगे। हमने आपने देखा होगा देश के अंदर एक बार जो स्थिति पैदा हुई थी, हम भी छोटे छोटे थे, हमने भी उसको देखा, ज्यादा छोटे थे लेकिन इतने छोटे थे कि हमें ध्यान है। 25 जून 1975 हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द किया, देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। इमरजेंसी में जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे, राजनीति वाले लोग थे, पत्रकार थे, उन सबको बंद कर दिया गया था, उनके परिवार नष्ट हो गए क्योंकि वो एक दिन नहीं रहे जेलों में, वो कोई 15 साल, कोई वो 15 महीने, कोई 17 महीने, कोई 19 महीने, कोई 21 महीने, इस तरह से वो रहे। अरे भाई ज्यादा है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप तो जेल से इतने डरते हैं, हम भी डरते हैं, सभी डरते हैं, उनको जेल से डर नहीं लगा, उनका परिवार ने परिस्थिति नहीं झेली। अगर कोई आप 5 दिन के लिए घर से निकल करके चले जाते हो, परिवार उथल पुथल हो जाता है, परिवार की व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं। उन लोगों ने 2-2 साल तक जेल में बिताए, उन लोगों को क्या है? वो लोकतंत्र सेनानियों को, आपात के दौरान लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को हमने 20,000 रुपये मासिक पेंशन और 4,000 रुपये मासिक दर देने का। राजस्थान की माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत राजस्थान में भी काम हुए हैं। आपको ध्यान होगा 16 दिसंबर से लेकर के 26 जनवरी तक पूरे राजस्थान के अंदर कैंप हुए हैं। माननीय
यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना, कोई भी गरीब व्यक्ति जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो उसकी समीक्षा भी हो और उस योजना का लाभ नहीं मिला उसको व्यक्ति को लाभ भी मिले, ये काम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर हुआ है। इसमें 11,900 ग्राम पंचायत और शहरी स्थानों पर यह आयोजन हुआ है, 106 कैंपों में 2,66,00,000 व्यक्तियों को स्वास्थ्य की जांच की गई है, राज्य में देश में प्रथम है। पीएम सुरक्षा बीमा 8,25,000 से अधिक पीएम जीवन ज्योति बीमा में लाभ मिला है। 4,76,000 हमें बीमा में इसका लाभ मिला है, पीएम सुरक्षा में 8,25 का मिला है। इन योजनाओं में प्रदेश पहले पायदान पर है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा विजन होना चाहिए कि राजस्थान 2047 तक एक समृद्ध विकसित समावेशी राज्य बने, विकसित भारत 2047 के साथ कदम ताल मिलाते हुए देश का अग्रणी राज्य बनेगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष अब तो सुनते जाओ ना, अभी तो अच्छा तो आएगा, अभी अच्छा तो आएगा, अभी आपको आपने अच्छा तो आने वाला है। दराजा हो गया आपको, आपको 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 5 साल सुना है जी, मेरी चिंता मत करो, आपको 5 साल सुना है जी। जी मैं नहीं हुई हो गया तो हमने हमने 100 दिन की हमारी कार्य योजना, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, बस हो गया, बस बस। अरे ब्राज आप जल्दी समाप्त हो रहा है। हमने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश के हर वर्ग, हर क्षेत्र और विकास के प्रत्येक आयाम पर काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। हमने सेवा में आते ही इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए 100 दिन की कार्य योजना बनाई। कृषि के क्षेत्र में गांव की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए 100 दिन में ग्राम पंचायत स्तर पर 3,500 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। किसानों को पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए आगामी 3 माह में पीएम कुसुम योजना अंतर्गत 5,000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 1,00,000, सुनिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 1,00,000 वंचित किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। गत 1 माह में 50,000 नए किसानों को जोड़ा जा चुका है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए राजनीति में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, कहीं एक दूसरे में दल के हिसाब से कोई बात आ सकती है, लेकिन हमें जनता के साथ अगर हम नीचे उसको उतारेंगे तो वो ठीक नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बार बार केंद्र ने आपको चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, स्मरण कराया कि जिन किसानों के पिता का स्वर्गवास हो गया, उनके एक हो, दो हो, तीन हो, पुत्र होते, पुत्रियां होती है, हमने बार बार स्मरण कराया, केंद्र सरकार का पत्र आया कि जल्दी से उनका नामांतरण खोलिए, उनकी सूची भिजवाइए। आपने कोई सूची नहीं भिजवाई, किसानों के साथ कुठाराघात करने का था। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 50,000 नए किसानों को जोड़ा जा चुका है, यह आपकी जानकारी में डालता हूं। पशुपालों के हित के लिए 1,00,000 पशुओं को किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। राजकीय विद्यालयों में 1,000 कक्षों का निर्माण पूर्ण किया जाएगा। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, प्रत्यक्षता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना के अंतर्गत 1,00,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 1,00,000 पात्र सदस्यों को कार्ड दिए जाएंगे। समस्त क्रियाशील स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर इन पर
वेलनेस गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी तथा 75,000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 3 माह के अंदर किया जाएगा। पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में 11,000 आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित किए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण के अंतर्गत 8,000 गाँव को ODF प्लस बनाया जा रहा है। जल मिशन के अंतर्गत 1.5 लाख घरों में जल कनेक्शन दिया जाएगा। मेरी सरकार का दृष्टिकोण संकुचित नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, एक और है, बैठिए बैठिए बैठिए। मेरी सरकार का दृष्टिकोण संकुचित नहीं है, हम सच्ची आलोचनाओं समालोचनाओं का सदैव स्वागत करेंगे। हम बिना किसी पूर्व आग्रह के समस्त सुझावों एवं पूर्व में लागू योजनाओं की समीक्षा करेंगे, उन्हें अधिकतर बेहतर बनाकर प्रदेश की जनता को लाभान्वित करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाएं। हर स्तर और हर जगह से प्राप्त जनकल्याण के लिए जनता को तत्काल राहत देने वाली और दीर्घकालीन दोनों कार्य योजनाओं पर बिना वक्त गवाए हमने काम शुरू कर दिया है। जनकल्याण के वास्तविक मुद्दों से जुड़े सुझावों का हमेशा हम स्वागत करते हैं। और माननीय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, कभी कभी हमारे मन में बात आ जाती है, अहंकार पैदा हो जाता है, और वो इस बात का हो जाता है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। कई मैं देख रहा हूं बराबर मैं देख रहा था सदन में, ये होट लग रही थी, ये कितनी बार खड़े हूं मैं, कितनी बार खड़े हूं, उनके मन में ये बात आती है, उनके मन में ये बात आती है कि मैं सदन में ज्यादा समझता हूं, मैं मेरी बात कैसे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जोर से रखने में बार बार रखने में उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। अगर आपकी सही बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि अनुभव की कोई उम्र नहीं होती है, अनुभव कभी भी आ सकता है। और अनुभव यह भी नहीं है कि मैं पूर्ण हो गया, पूर्ण कोई भी नहीं है, हम आप में से कोई भी पूर्ण नहीं है कि मैं सारी बातों का जानकार हूं। और मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं कि कभी कभी वो 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का वो नौजवान ऐसी बात कह देता है कि जो हमारे आपके अनुभव से काफी दूर है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं और आम जन से भी कहना चाहता हूं, आपका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो, अच्छा सुझाव हो, ये सरकार जन जन की है, आपकी है, हर सुझाव को मानने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार। भारत की आजादी के अमृतकाल के कालखंड में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के रूप में देखने का सपना देखा है। और मैं आपसे यही मैं कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान का योजना बनती है, मैंने अधिकारियों की मीटिंग में भी यह कहा, योजनाएं बनती है 5 साल योजनाएं 5 साल की नहीं, योजनाएं 25 और 30 साल की बननी चाहिए। योजनाओं में क्यों आज ये पाप उखड़ रहा, आज ये हो गया, आगे आने वाले समय में आप कैसे काम करेंगे। हमारी योजना बननी चाहिए आगे का विजन देखते हुए, आगे का हमारा किस तरह से रोड मैप आगे चलने वाला है, जनसंख्या के आधार पर हमारा विजन बने। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, काम चरणबद्ध तरीका से हो जाए, काम चरणबद्ध तरीका से हो, लेकिन काम का विजन बड़ा होगा तो हमारा उद्देश्य भी बड़ा होगा, हमारा काम भी बड़ा होगा, योजनाएं हमारी ठीक प्रकार से रहेंगी, उन योजनाओं की क्रियान्विति चरणबद्ध तरीका से ये तय कर सकते हैं, इतने समय में ये, इतने समय में ये, इतने समय में। लेकिन योजना जब तक बड़ी नहीं बनेंगी, हमारा विकास जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ये विकास योजनाएं लंबी दूरी की योजनाएं हमारी बने,
हम वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ करते हुए नीतियों का नवनिर्माण कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाएंगे और सुशासन भी सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार का ध्येय माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जैसा मैंने कहा, हासिल कर प्रदेश की प्रगति, समावेश, विकास को नई ऊंचाइयां दें। अंत में मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता कि आप हम सब का एक ही लक्ष्य है, एक ही सपना है, अपने राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाकर देश में नंबर एक स्टेट बनाना। इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। मुझे आशा है कि आप प्रदेश की समृद्धि, प्रगति और विकास के लिए हमारा सहयोग करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश और समाज में चार ही जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला, किसान, इसमें सभी समाहित होते हैं। आइए हम सब इनके उत्थान के लिए एकजुट होकर काम करें, तभी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास का मंत्र कारगर होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई गारंटियां एवं संकल्प पत्र में दिए गए वादों को भी पूरा करने के लिए भी मैं कुछ आपके बीच में मोदी जी की गारंटी और हमारे संकल्प पत्र की कुछ बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूं। जवाब देने के लिए तो मेरे पास माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी के कई हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है दिन में नहीं है, रात में ज्यादा घूमते हैं। कहते हैं मैं टहलने जाता हूं, रात को टहलने जाते हैं। अच्छा, क्या जासूसी की आदत तो नहीं लग रही है, पुरानी आदत? मेरे पास कहने को बहुत है, मेरे पास जवाब देने को बहुत है। आप इतने इससे ही परेशान तो जवाब देने के लिए तो रहेंगे। मैं किसान, देखिए मैंने एक बात आपके सामने रखी थी और मैं देखो एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां और राजनेता जनता का दोनों के ओर से विश्वास उठने लग गया था। लोग नेता को आप माने नहीं माने, लोग नेता के बारे में क्या क्या सोचते थे, राजनीतिक पार्टियों के बारे में क्या क्या सोचते थे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, राजनीतिक दल कोई भी हो, राजनेता कोई भी हो, लेकिन राजनेता की और किसी राजनीतिक दल की साख गिरती है तो उसमें हम सब की जिम्मेदारी होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा काम, हम देखते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमारी गलतफहमी है, हमको सब देख रहे हैं। और एक मैं और कहना चाहता, कई लोगों के भ्रम भी होता है और वो भ्रम यह होता है कि जब हम पर दिक्कत आती है तो हम ईश्वर के यहां जाते हैं, ठाकुर जी के पैर पकड़ते हैं, कोई हनुमान जी की पकड़ता है, कोई भूमिया बाबा के पास जाता है, तो कोई कहीं जाता है, दुर्गा माता जी के पास जाता है, और फिर ये कहते हैं उनके पास जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि हम परेशानी है, हमारे दुखों का हरण करेगा। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जब वो आपकी अगर पूजा देख रहे हैं, आपके उस दुख को भी देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो हमारे गलत काम के लिए वो आंख बंद कर लेते हैं क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ना जनता आंख बंद करती है और ना हमारे जिसके प्रति हमारा देह और विश्वास है वो ठाकुर जी भी आंख बंद नहीं करता है। हम हमारे अहम में, हम हमारे बहम में कई चीज ऐसी करने लग जाते हैं
जिनकी स्थिति अपने आप में हम कहते हैं कि कोई देख नहीं रहा। अरे देखने वाला बहुत है, 10 तालों में भी देख रहा है, 20 तालों में भी देख रहा है, आप जहाँ वहाँ देख रहा है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मित्रों कि हमें 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक पार्टियों को भी मजबूर किया है बदलने के लिए और राजनेता को भी बदलने के लिए मजबूर किया है, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं किसान भाइयों को, हमने जो योजना चालू की वो आपको बता दी, किसान भाइयों को, क्योंकि वो धोखे से पीड़ित रहते हैं, पिछली बार धोखे से पीड़ित थे माननीय अध्यक्ष जी, संबल देने की दृष्टि से हमने अपने संकल्प पत्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाने का वायदा किया था। हमने चरणबद्ध तरीके से लिए देय वित्तीय सहायता के प्रति परिवार को 6,000 रुपये वार्षिक से बढ़ा करके हमने 12,000 रुपये का वायदा किया था। रुपये प्रतिवर्ष करने का निश्चित हम इस दिशा में हमने प्रथम चरण में प्रति परिवार दे राशि 6,000 से बढ़ा करके हमने 8,000 रुपये किसान को, ये प्रथम चरण है हमारा, ये प्रथम चरण है। आप कह रहे 50 दिन, आप संख्या में कमजोर हैं, गणित में कमजोर हैं, आज सही 1.5 महीना हुआ है, 45 दिन हुए आज सरकार को बने, 3 महीना कह रहे थे। अरे हरलाल जी आप भी गणित में कमजोर सका हो थोड़ा सा। आज देश, आज 45 दिन इस सरकार को बने हुए हैं, ये हमारा है, हम ये इंतजार नहीं करते, चुनाव आएंगे हम लो लुभावने काम करेंगे, चुनाव आते गारंटी देंगे, घोषणा देंगे, लगातार करेंगे। अरे भाई जब गारंटी आपकी नहीं है तो जनता को क्या गारंटी दे रहे थे आप? आपकी गारंटी नहीं है तो जनता की कौन सी गारंटी दे रहे हो आप? अपनी गारंटी पक्की करने के लिए ठीक होता कि आपने जो वादे किए पहले इस साल में उनको पूरा करते, 4-5 साल जनता उनका उपभोग करती तो निश्चित रूप से आपके बारे में विचार विमर्श करते। लेकिन आपने धोखा देने का काम किया, जनता ने उसका जवाब आपको दे करके आपको उधर बैठाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, 8,000 बढ़ाकर हमारा 1,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन किसान को हमने संबल देने के लिए, जो किसान वो है, लोग वायदा कर जाते हैं पूरा नहीं करते, हम उस वायदे को पूरा कर रहे हैं और किसान को हम इस पहली उसमें किस्त में हम 2,000 रुपये बढ़ा करके 8,000 रुपये कर रहे हैं। साथ ही हमने हमारे नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र के माध्यम से गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के ऊपर बोनस प्रदान करने का वायदा हमने किया कि हम 2,700 रुपये करेंगे। सुन लीजिए, 2,700 रुपये करेंगे, ये वायदा किया था हमने हमारे संकल्प पत्र में। खरीदान व्यवस्था या इस कड़ी में प्रथम चरण के रूप में अगली फसल रबी की आ रही है, अगर अब नहीं करेंगे तो 15 दिन बाद फसल आने वाली है। आप तो अगर ऐसा मौका मिल जाता तो 20 दिन बाद ही करते, 1 महीने बाद करते, फसल चली जाती, उसके बाद अगर कहीं होता तो होता, नहीं वो भी नहीं होता, 5 साल नहीं हुआ था। हमने 195 चरणबद्ध तरीके से करेंगे, पहली किस्त हमने 125 रुपये बढ़ाने का काम किया है, 2,275 से हमने 2,400 रुपये करने का काम किया है, इसमें हमें 250 करोड़ रुपये का खर्च करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी आप वो करेंगे ना, बता रहे ना, अभी बोल रहा हूँ 2,750 करेंगे ना, चरणबद्ध तरीका से, आपने सुना नहीं क्या, चरणबद्ध तरीका से 125 रुपये किए हमने। अरे आपने तो कुछ नहीं किया, सुन तो लो, हमने जरूरतमंद व्यक्तियों को समस्त सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से, हाँ नहीं तो हमने तो दिया,
हमने हमारे समय दिया। अरे साहब तो वादे ही नहीं किया उन्होंने तो क्या देंगे। अरे बैठो, अरे ब्राजो, हमने जरूरतमंद व्यक्तियों को समुचित सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से हमने वायदा किया था 1,500 रुपए का, हमने वायदा किया था 1,500 रुपए का मासिक सुरक्षा पेंशन देने का। हम संकल्प में हमने कहा इसके दृष्टिगत प्रथम चरण में वर्तमान में दे 1,000 रुपए मासिक पेंशन को आगामी अप्रैल से बढ़ाकर 1,150 150 रुपए चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का काम हम करने की घोषणा करता हूं। इस पर 1,800 यानी 1,800 करोड़ रुपए का व्यय राजस्थान सरकार पर है। माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी ये बात करते हैं संविधान में संशोधन विधेयक का भी ये विरोध करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आजादी के बाद चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हिंदू है, चाहे अफगानिस्तान के अंदर सिख है, सिख भाई हैं हमारे, इधर बांग्लादेश के अंदर जैन या सिख है, वो वहां से प्रताड़ित होकर के, पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के, जमीन जायदाद छोड़ करके, अपनी इज्जत बचा करके वो अगर देश में आ गए तो उनको विस्थापित करना गुनाह है क्या? नहीं है, नहीं है तो ये इतना आवाज हो रही है शाहीन बाग में, हल्ला मचाया रहा आपकी भी, हमारी सामने वाली पार्टी जो इसने विरोध करने का काम किया, क्या है? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, वो लोग हमारे हैं, वो लोग अपने हैं, उनका विरोध कैसा? हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश में अनेकों पाक विस्थापित परिवार जो रह रहे हैं उनकी कई समस्याएं, हमारी सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पाक विस्थापित परिवारों के प्रति अपना दृष्टिकोण रखते हुए उन्हें आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी हेतु इनके लिए एक विशेष योजना की घोषणा करता हूं। ये मैं आप मेरा मानना है कि मनुष्य अगर ठान ले तो, वैसे मेरे नीचे और रह गई कहीं, हर एक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हम प्रदेश के अग्रणी बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की कविता का अंश है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अगर इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आपका दृढ़ विश्वास मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से इस राजस्थान का विकास करने में हमारी ये सरकार किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस माननीय महोदय राज्यपाल महोदय जी का जो बहुत प्रेम है उनका अभिभाषण था उसका समर्थन करते हुए मैं मेरी बात को पूरी करता हूं और कहता हूं कि मन में विश्वास रखो, मन में विश्वास रखो, कल्पना साकार होंगी, राजस्थान आगे बढ़ेगा, हर स्थिति में आगे बढ़ेगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्यगण,